नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार मैथ गुरु मनीष में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी आदमी? ओके, क्लास में अभी जुड़े ही नहीं है कोई आदमी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 0 राइट नाउ। राजन कुमार, हाय। हाय जी, हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं अब। राजे राज हाय, गुड इवनिंग जी सबको, गुड इवनिंग। राजन कुमार हाय जी, हाय। धर्मेंद्र कुमार गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। रोहित ऋतिक राज यादव हाय, सभी आदमी को हाय, गुड इवनिंग। हैप्पी सिंह जी, मोहित कुमार जी, सभी आदमी को गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास आने में, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी आदमी को, गुड इवनिंग। क्लास लेट हो चुका इसलिए हम तुरंत जो है से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अभी ज़्यादा बातचीत चैट पर ना करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं जी। क्लास को सब आदमी एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए सभी आदमी। रोशन राज गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग। चलिए क्लास शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट। देयर इज ओनली 30 स्टूडेंट्स राइट नाउ। क्लास शेयर कर दीजिए बाबू। केमिस्ट्री का आज जो है एक नया टॉपिक बताएंगे आप लोगों को जी, इसलिए क्लास शेयर कर दीजिए। फिर आज वाला क्लास जिसका मिस हो गया फिर उसको जो है से आगे का टॉपिक समझने में बहुत दिक्कत होने वाला है, समझे। इसीलिए सभी आदमी को जो है से हम यही कहेंगे कि जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं आज अगर आज का आप टॉपिक देख लेते हैं तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा कि अगर आज का क्लास एब्सेंट हुआ, समझिएगा कि आपके हाथ से जो है से यहाँ पर एक जो टॉपिक है जो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह निकल जाएगा। एडिशनल सब्जेक्ट लेने का फायदा होगा सर, कौन पूछ रहे हैं? सन्नी जी पूछ रहे हैं, चलिए ठीक है। इधर देखिए अभी राधे राधे जी, ओके ठीक है। चलिए देखिए बाबू यहाँ ध्यान दीजिए अब। हेलो सर, हाय सबको हाय। देखिए हम जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो आपको जो है से उस चैप्टर में दो नाम लिखे थे, हेलो एल्केन और लिखे थे हेलो बेंजीन। हेलो एल्केन एंड हेलो बेंजीन लिखे थे, हेलो बेंजीन लिखे थे। अगर ये हेलो एल्केन के बारे में तो हम आपको कल के क्लास में क्लोरोफॉर्म तक बता दिए थे सर, इनऑर्गेनिक कब से स्टार्ट होगा। बाबू जो पढ़ा रहे उसको मस्त से पढ़िए, इतना लेट क्यों आते हैं सर। देखिए यहाँ पर हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन दो चीज़ लिखवाए थे जिसमें आपको हेलो एल्केन के बारे में हम पूरा जानकारी दे दिए थे, हमें बताना था हेलो बेंजीन। हम हेलो एल्केन के बारे में बहुत सारा चर्चा किए हैं जिसमें मेरा कम से कम 6-7 क्लास जो है से हेलो एल्केन के बारे में ही है। आज जो है से हम लोग हेलो बेंजीन के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होता है आप सभी आदमी के लिए, यहाँ पर जो हम लोग हेलो बेंजीन पढ़ने वाले हैं जी, अगर आपको लिखना है तो कॉपी और पेन साथ में रखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पर हेलो बेंजीन है ना, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हेलो बेंजीन जो है वह किसके अंतर्गत आता है, समझे। आपको हम ऑप्शन 3 ऑप्शन देंगे, बताइएगा एलिसाइक्लिक के अंतर्गत आता है, एलिफैटिक के अंतर्गत आता है या फिर एरोमेटिक के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है। हेलो सर मेरा नाम लीजिए ना, राहुल कुमार, हाँ ले लिए राहुल जी, ठीक है। चलिए बताइए बेंजीन जो है वह किसका यौगिक है, किसका कंपाउंड है। आपके पास ऑप्शन है एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, किसका यौगिक है ये, किसका यौगिक है जी। सभी आदमी का आंसर आ रहा है और मैक्सिमम आंसर आ रहा है एरोमेटिक, यानी कि एकदम बेहतरीन आंसर आया है, सबका आंसर सही है, एरोमेटिक में आता है। दीपक जी आपका गलत हो गया है, एलिसाइक्लिक है सर, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है सर, प्लीज हिंदी मीडियम में लिखें सर, ओके।
एरोमेटिक का है, सही है। चलिए बाबू एरोमेटिक का है, एरोमेटिक का है, सही बोले, क्योंकि एरोमेटिक के व्युत्पन्न को ही जो है से हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन या फिर बेंजीन के यौगिक कहते हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सही बोले हैं। अब देखिए बाबू कि यहाँ पर जो ये एरोमेटिक के बारे में पढ़ना है, तो इस एरोमेटिक के बारे में आप जानेंगे तो सबसे पहले आपको बता दिए कि ये एरोमेटिक में आता है, तो एरोमेटिक में आता कौन है भाई, तो बेंजीन। कौन आता है बोलिए, तो बेंजीन आता है। और बेंजीन के बारे में यदि आपको बताए तो बेंजीन का सामान्य सूत्र जो होता है वह C6 और H6 होता है, साधारण सूत्र। इसमें कार्बन की मात्रा 6 और हाइड्रोजन की भी मात्रा कै गो होता है, 6 होता है। बात पर थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, एकदम हम एकदम छोटी से एकदम जीरो लेवल से अभी बेंजीन को शुरू किए हैं, समझे कि नहीं, एकदम स्टार्टिंग से शुरू किए हैं। अगर आप इस क्लास में जुड़े रहेंगे, अगर आपको इससे फायदा कुछ होगा तो आप मतलब कि कहने का मतलब कि आप इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं बेंजीन को, ऐसा मतलब कि आपके पास डाउट नहीं होगा कि सर बेंजीन समझ में नहीं आया, ऐसा आप नहीं बोल सकते, समझे कि नहीं। लेकिन बस कंडीशन यही है कि आप क्लास में जुड़े रहें, मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बच्चे और भी इसका लाभ उठा सके जी। अब एरोमेटिक के अंतर्गत आ गया बेंजीन। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में लिख दिया कीजिए, तो लीजिए भैया बेंजीन हिंदी में लिख दिए और यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए। अब दोनों मीडियम के बच्चे फ़ायदा उठा लो, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो या फिर BSE बोर्ड से हो, आप यदि इस ग्रुप से इस समूह से जुड़े हुए रहते हैं, इस मैथ गुरु मनीष फैमिली से जुड़े हुए रहते हैं, तो आपको यहाँ पर सीखने के साथ साथ एग्जाम की तैयारी करने का बड़ा ही बेहतरीन मौका मिलने वाला है। इसीलिए सभी आदमी जो है सो एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, एकदम कुछ दिन के लिए जो है अंडरग्राउंड की तरह हो जाइए, एकदम मस्ती से पढ़िए, बोर्ड भी सोचे कीजिए, हाँ समझे कि नहीं। तो यहाँ पर बेंजीन हुआ और बेंजीन का सूत्र हमने बता दिया C6H6 बता दिया, समझे। अब C6H6 ये बेंजीन का होता है ना बाबू। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसका एक सरल सूत्र होता है और एक होता है मूल अनुपाती सूत्र होता है। तो इसका सरल सूत्र की जाति बात कीजिएगा तो इसका सरल सूत्र CH होता है, समझे कि नहीं। इसका बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, CH होता है, और इसी का मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, ये आपका सरल सूत्र है, लीजिए ये आपका सरल सूत्र है CH, और इसका मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला, मूल अनुपाती सूत्र बोलते हैं। और मूल अनुपाती सूत्र क्या होने वाला है तो C6H6 होगा। अब ये सब बात आप याद करते चलिए बउआ, हमने बोला कि बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है, आगे हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे वह बेंजीन के व्युत्पन्न के बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन से किस प्रकार की रिएक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन के बारे में आपको बताएं कि एरोमेटिक से बिलोंग करता है, इसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है, इसका सरल अनुपाती सूत्र CH होता है, इसका मूल अनुपाती सूत्र C6H6 होता है। बताइए इतना में किसी को डाउट है क्या, इनमें किन्हीं आदमी को डाउट है बोलिए प्लीज। जो अभी आपको बताया गया इसमें कोई डाउट है, क्विकली बताइए, कमेंट्स ही रुक गया, अरे डाउट है, क्या डाउट है बोलिए तो बुआ। नो सर ना डाउट है, सर मैथ का क्लास होगा, हाँ हाँ होगा सर मैथ का क्लास चलेगा प्लीज सर, हाँ बिल्कुल चलेगा। आप इसमें बता दें कि इसमें अगर आपको डाउट है तो हम और क्लियरेंस कर देंगे, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हाय गुड इवनिंग सर, मैं आज लेट हूँ, कोई बात नहीं बाबू, हमको इसके बारे में बता दीजिए जल्दी फटाक से बता दीजिए। तो एरोमेटिक के बारे में कोई दिक्कत है क्या, एरोमेटिक देखिए बाबू यहाँ पर जितना बात अभी बताया गया है ना ये आपको याद रखना होगा, समझे कि नहीं। चलिए हम इस पर जो है से थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, थोड़ा फिर से एक बार समझा दीजिए। ओके ओके कोई बात नहीं, चलिए बाबू देखिए यहाँ पर अब जो है से बेंजीन की यदि सूत्र के बारे में बात कीजिएगा, बेंजीन के सूत्र के बारे में, तो बेंजीन का सूत्र देखिए इसका दो प्रकार से इसके सूत्र को आप दर्शा सकते हैं, समझे कि नहीं। और वह दो प्रकार का सूत्र क्या होगा, संरचना क्या होगा, उस संरचना पर यदि हम बात करें तो आपको करना क्या है, षष्ठभुजीय वलय जानते होंगे आप,
षष्ठभुजीय वलय जिसको बोला जाता है हेक्सागोनल रिंग बोला जाता है, पता है क्या षष्ठभुजीय वलय पता है बाबू? षष्ठभुजीय वलय पता है क्या? षष्ठभुजीय जिसमें छह गो भुजा होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोनल रिंग बोलते हैं, हेक्सागोनल रिंग। तो बेंजीन का संरचना बनाने के लिए आपको पहले षष्ठभुजीय वलय बनाना पड़ेगा, और वह षष्ठभुजीय वलय आप इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे यहां पर हम मान लिए ये एक हो गया लाइनिंग और एक ये हो गया लाइनिंग, आ रहा है फ्रेम में? यहां पर थोड़ा सा बोर्ड से निकल गया, चलो ठीक है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो है सो एक लाइन इधर इस प्रकार से इसके बना, इसके लिए बना देते हैं, एक लाइन इस प्रकार से इसके लिए बना देते हैं, ठीक है। और दूसरी नंबर बात जो होगा यहां पर, दूसरी नंबर बात आप ध्यान से देखिए ना, सब याद हो जाएगा, क्लासे में सर आपका कवर हो जाएगा। देखिए बाबू, यहां पर कार बेंजीन बनाने के लिए एक लाइन इस प्रकार से खींचे, एक लाइन इस प्रकार से खींच लिए, दो गो लाइन, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अब इसको जो है से पहले टेम्पल का आकार दे दीजिए ऊपर से, अब इसको इग्नोर कर दीजिए और नीचे से भी टेम्पल का आकार दे दीजिए, टेम्पल का आकार मतलब मंदिर का आकार। अब जो है देखिए, इसको आप दो प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं बाबू। देखिए पहला कंडीशन है कि आप यदि इस बॉन्ड को दर्शाते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, इस बॉन्ड को दर्शाते हैं तो यहां वाला बॉन्ड को आपको छोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड को छोड़ना पड़ेगा, और इसके बाद वाले में फिर डबल बॉन्ड लगाना होगा, और फिर इसको छोड़ करके इसमें आपको क्या लगाना होगा, डबल बॉन्ड लगाना होगा। ये है बेंजीन का संरचना, बेंजीन का संरचना है। और एक संरचना हम और बता देते हैं जो और भी इससे आसान है, तो वो आसान कैसे होगा देखिए, यहां पर उसी प्रकार से हेक्सागोनल मतलब की हुआ षष्ठभुजीय वलय का निर्माण करना है इस प्रकार से, आ कुछ नहीं गोल गोल अंडा, ये भी क्या है बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। अब बताइए कि इसमें आपको कोई संदेह है क्या, बेंजीन का संरचना याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? बेंजीन का संरचना आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, यस और नो? लाजो बोल रहे हैं नहीं, क्यों याद नहीं रहेगा, ऐसा क्यों होता है सर? निवेश यादव पूछ रही है, सुमित कुमार बोल रहे हैं हाँ। देखिए बाबू, कार्बन की यदि आप पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है तो उस पर हम चर्चा करते हैं अभी। सर हेक्सागोनल यानी कि सिक्स हेक्सेन, क्या लिख दिए बाबू, साइक्लोहेक्सेन लिखे थे क्या? ठीक है बाबू, देखिए यहां पर ये पूछ रहे हैं कि डबल बॉन्ड कैसे होगा, तो देखिए बाबू यहां पर होता क्या है, जैसे कि कार्बन हो गया, यहां पर सी एच हो गया, और यहां पर भी क्या हो गया, सी एच हो गया। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है बोर्ड में, ठीक है। देखिए बाबू कहते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स नॉट इंटरेस्टेड, तब फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्स्ट्रा में लेकर रखवाओ की हो, एक्स्ट्रा में लेवे वाला तो सब्जेक्ट है ना, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, पढ़ी के पढ़ते ही। देख यहाँ बेंजीन के बारे में बता रहे थे कि ऐसा क्यों होता है सर, एक बच्चे क्वेश्चन किए हैं, देखिए सी एच हो गया और यहाँ पर भी सी एच लगा दे, यहाँ पर भी सी एच लगा दे, फिर यहाँ पर इसके ठीक नीचे जो है फिर सी एच लगा दीजिए, और इसके ठीक नीचे सी एच, और यहाँ पर एक सी एच लगा दीजिए। अब क्या करिए, यहाँ पर इसको पहले सबको बॉन्ड को दर्शा दीजिए, सबके बॉन्ड को दर्शा दीजिए पहले, चलिए सबके बॉन्ड को दर्शा दिए यहाँ पर, सबके बॉन्ड को इस प्रकार से। अब जो है से समझिए कि एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड क्यों लगता है, एक एक छोड़ के केमिस्ट्री भी पढ़ लो उसके बाद मैथ पढ़ना, हाँ सही बात है। तो बबुआ यहाँ पर देखो कि कार्बन हो गया ना, यहाँ पर ये कार्बन है, और इस कार्बन के साथ अगर मान लेते कि कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है सो बोलिए, तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है ये बता दीजिए, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है बोलिए फटाक से बोलिए, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, चार है, नहीं बाबू कल मैथ का क्लास नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल इश्यू था इसकी वजह से,
ठीक है, देखिए बाबू चार होता है। तो अब जरा सोचिए कि यहाँ पर जो ये कार्बन के पास में यहाँ पर जो चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन क्या करेगा कि दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। ध्यान दीजिए बाबू, तभी ये समझ में आने वाला है, नहीं तो फिर जो है तेनाते रह जाइएगा, कुछ बुझने बुझने आने वाला नहीं है। इसलिए हम कहते एकदम विशेष केयर कीजिए। हम इसके अभी बेंजीन के ऐसा ना क्वेश्चन पूछ दिए हैं जो एकदम डीपली मतलब गहराई तक इसको लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तो शॉर्टकट में निकल लेते कि चलो भाई ये रहा और ये हो गया बेंजीन हो गया। अब इन्होंने पूछा किस प्रकार से, तो हम बात कर रहे हैं कार्बन के चार गो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो चार संयोजी इलेक्ट्रॉन में दो गो इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को हो गया और चौथा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को हो गया। हमको लगता है इससे भी ज्यादा क्लियरेंस करना जरूरी है। चलिए देखिए क्या हो गया, छह गो कार्बन, तो एक दो तीन चार पांच और ये छ, ठीक। अब देखो कार्बन कार्बन के साथ ये द्विबंध से जुड़ गया। ध्यान दीजिएगा बाबू, कार्बन कार्बन से ये द्विबंध से जुड़ गया। अब ई कार्बन के पास में चार गो संयोजी इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा, तो इसके साथ था सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, और एक ये किससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। बताइए ई कार्बन का स्टक कंप्लीट हुआ क्या, बराबर हुआ, इसका सारा इलेक्ट्रॉन चला गया ना साझेदारी में। इस कार्बन यह कार्बन इस कार्बन से द्विबंध द्वारा जुड़ गया और एक यहां पर हाइड्रोजन के साथ आ गया, तो तीसरा खत्म, एक इस कार्बन के साथ आ गया तो चौथा खत्म हो गया है, ठीक है। इसीलिए अंजलि प्रजापति और निबशी यादव जी आप दोनों आदमी खास रूप से इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप ही लोग का इराइज किया हुआ है। अब इस कार्बन का चर्चा करिएगा, तो ई कार्बन का देखिए बाबू कि एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया और दो गो इलेक्ट्रॉन इसका इस कार्बन के पास आ गया, तो तीन गो खत्म हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बच रहा है, तो एगो यहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखिए अपने आप बन न गया कि पहला में दो गो तो फिर दूसरा में एगो फिर ओकर बाद दो गो, आ रहा है समझ में। और भी आगे की तरफ चलिएगा तो ई कार्बन का भी दो गो इधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो तीन हुआ और एक यहां पर हाइड्रोजन के पास आ गया तो चार हुआ। देख लीजिए अल्टरनेट व्यवस्था में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और भी आगे बढ़िए तो यहां पर यदि देखिएगा इस कार्बन का ये जो कार्बन यहां पर है इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गया समझे, और दो गो इलेक्ट्रॉन इसका जो है से यहां पर इस कार्बन के साथ आ गया, तो ई कार्बन का दो गो इलेक्ट्रॉन इधर आ एक इलेक्ट्रॉन उधर, तो दो आ एक तीन, बतवा समाप्त। एक चल जाएगा ये हाइड्रोजन के पास, देख लीजिए। अब यदि इस कार्बन के साथ आइएगा बाबू, तो ई कार्बन का जो है से दो गो इधर चला गया। सर ऐसे में तो रेस्पॉन्स हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, हाइड्रोजन हो गया। रेजोनेंस समझते हैं, पहले रेजोनेंस समझते हैं क्या, ये बेंजीन नहीं है, ठीक। देखिए बाबू अब जो है से यहां पर ये क्या हो जाएगा कि ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और अब क्या हो गया कि ये कार्बन था और यहां पर इसका दो गो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो तीन गो हुआ, तो दो एक तीन हो गया और एक जो है से यहां पर किसके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ है। इसका देखिए दो गो इधर गया एक इधर आ गया तीन, तो एक इस प्रकार से हो गया हाइड्रोजन हो गया। अब आप कार्बन की संख्या गिन लीजिए, क्या गो कार्बन की संख्या है, देखिए एक है दो तीन चार पांच और छ, देख लीजिए फॉर्मूला में हम लिखवाए होंगे C6H6, तो यहां पर कार्बन भी छ गो हो गया और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पांच और ये छ, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया छ गो। इस प्रकार से बेंजीन का निर्माण होता है, इस प्रकार से बेंजीन का निर्माण होता है। और यहां पर इसका अल्टरनेट व्यवस्था यानी कि एगो सिंगल बॉन्ड होगा तो दूसरा डबल बॉन्ड होगा, और फिर एगो सिंगल बॉन्ड होगा तो दूसरा डबल बॉन्ड होगा, फिर ये डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड। बताइए समझ में आया नहीं आया, जो आदमी क्वेश्चन इराइज किए थे। यस यस सर क्लियर है, ओके। और किन्हीं आदमी को क्या डाउट है, क्या इसमें और कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं बताएंगे सर, क्या बोले जी सर, वाह सर मोहित कुमार, यस सर वाह सर, ठीक है बाबू। तो हम आगे की तरफ बढ़े, क्या आगे की तरफ बढ़े,
आगे की तरफ बढ़े, बोलिए। या एमडी अरिफ जी पूछ रहे हैं कि जे सर एक फिर से, मतलब कि फिर से बताइए, डोंट नहीं है, नो प्रॉब्लम है। ठीक है बाबू, देखिए अब जो है आप बार बार तो इस चीज को, इतना चीज को आप इंडिकेट नहीं कर सकते हैं ना, आप प्रत्येक स्थिति में इतने चीज को इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा कि इसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम आपको ये बात पहले बता चुके हैं। देखिए अब यहां पर पहले बता चुके हैं, अब यहां पर क्या होगा कि देखिए यहां पर ये हो गया, ये इस प्रकार से ले लिए और ये ले लिए, इस प्रकार से कर दीजिए, और इसमें क्या कर देना है आपको बाबू कि इस प्रकार से यहां पर संरचना कंप्लीट करके और एक गोल पार दीजिए इस प्रकार से, और यही आपका क्या कहलाएगा, बेंजीन कहलाएगा, यही आपका बेंजीन है। ये नॉर्मल इंडिकेशन हुआ, और भी से एक इंडिकेशन कीजिएगा तो एक और इंडिकेटर इंडिकेशन होगा। देखिए यहां पर एक दो तीन चार पाँच छ, एक बॉन्ड को छोड़ दीजिए तो दूसरा पर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको तो ये डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर इसको तो यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये दोनों बेंजीन है। अब बेंजीन के बारे में इतना क्लियर बात हो गया, हमको नहीं लगना चाहिए कि अब आपको डाउट होना चाहिए इस पर, क्योंकि हम ना पूरे क्लियरेंस के साथ हम आपको कैसे बेंजीन का यहाँ पर जन्म हुआ है वो बताए हैं आपको। क्या डाउट है, अभी भी डाउट है क्या, बोले तो जल्दी से, अभी भी डाउट है कि नो प्रॉब्लम। ठीक है बाबू आगे बढ़े। सर हमारा जी मेंस में मेरे में 85 क्या लिख दिए, नो प्रॉब्लम सर, ओके बाबू ठीक है। देखिए अब क्या होगा, इससे थोड़ा सा आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही चीज पर अगर चर्चा करते रहेंगे तो होगा कि एगो में खूब हो गया आज दूसर का जन्म नहीं करते हैं। तो बेंजीन का सूत्र आप सभी आदमी को याद हो गया होगा, और बेंजीन का संरचना भी याद हो गया होगा, और बेंजीन किस प्रकार से बनता है वो भी याद हुआ होगा, बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र भी याद होगा, और बेंजीन का सरल सूत्र भी याद होगा। क्या इसमें कोई डाउट है, क्या जितना बात हम अभी बोले हैं, जितना बात हम अभी आपको बताए हैं इसमें कोई दिक्कत है क्या? सर मनीष सर कब आएंगे, आएंगे आएंगे, टाइम होगा आ जाएंगे वो नेक्स्ट, नो सर। ठीक है देखिए बाबू अब क्या होगा कि यहां पर कुछ मुख्य मुख्य यौगिक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक बेंजीन की संरचना बना लेते हैं, नहीं याद रहेगा ना तो बाद में फिर यह स्टूडेंट कहिएगा कि सर समझ में नहीं आता है, समझे कि नहीं। तो यहां पर इस बेंजीन इस प्रकार से बना लीजिए, समझे, और एगो यहां पर जो है से हैलोजन परमाणु डाल लीजिए, एक ही हैलोजन परमाणु होना चाहिए, और एक और इसी प्रकार से हेलो बेंजीन बना लीजिए यहां पर। देखिए हेलो बेंजीन फिर उसी प्रकार से बनाएंगे, इसी प्रकार से हेलो बेंजीन बनाएंगे, यहाँ पर भी हेलो बेंजीन बनाएंगे। अब क्या करेंगे कि इस ये भी क्या हो गया, बेंजीन हो गया, और एक हेलोजन परमाणु यहाँ पर जोड़ दिए और एक हेलोजन परमाणु यहाँ पर जोड़ दिए। समझ में आ रहा है बाबू, एक हेलोजन परमाणु मैंने यहाँ पर जोड़ा और दूसरा हेलोजन परमाणु यहाँ पर जोड़ा, एक और हेलोजन बना लीजिए, बेंजीन बना लीजिए, हेलो बेंजीन यहाँ पर, चलिए यहाँ पर ये, यहाँ पर ये हो गया, ये लीजिए, और यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर एक तो पहले से था, दूसरा भी था, और यहाँ पर एक और आ गया, तीसरा भी आ गया। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इस सब का नाम अलग अलग हो गया, तो आपको यदि पता है तो आप पहला वाला का नाम बताइए। अगर आपको पता है और आप सच में मेहनत से यदि पढ़ते हैं तो पहला वाला का नाम बता दीजिए हमको, पहला वाला का नाम क्या है। चलिए बाबू बोलिए, इसका नाम क्या होगा जब एक हेलोजन परमाणु जुड़ जाएगा तो? हेलो बेंजीन, नहीं नहीं गलत आ रहा आंसर, सबका गलत आंसर आ रहा है। फिनॉल कहाँ होगा बउआ, कहाँ जा रहा है, फिनॉल नहीं होगा, अभी फिनॉल आर में मत जाइए। देखिए इसका नाम होगा
एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा मोनो हेलो, मोनो हेलो बेंजीन, मोनो हेलो बेंजीन हो गया। और इसमें दूगो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो डाई हेलो बेंजीन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? डाई हेलो बेंजीन हो जाएगा। और इसमें तीन गो हेलोजन परमाणु है तो ये हो जाएगा ट्राई हेलो बेंजीन, ट्राई हेलो बेंजीन। अब बताइए क्या इसमें भी कोई डाउट रह गया क्या? अगर एक हेलोजन परमाणु तो मोनो हेलोजन बेंजीन हेलो बेंजीन होगा, अगर दूगो हेलोजन परमाणु आ गया तो डाई हेलो बेंजीन होगा, अगर तीन गो हेलोजन परमाणु आ गया ट्राई हेलो बेंजीन होगा। अब यदि आपको दिक्कत है तो फिर आप बताइए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे उस पर। ये तीन बात आपको याद होना चाहिए, आगे बेहतरीन सीखने के लिए, समझने के लिए और बेहतरीन करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। अब आप हमको ये बताइए क्या इसका तीनों का नाम आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा? बोलिए यस और नो क्विकली। जी मोनो हेलोबेंजीन एक हेलोजन परमाणु, दूगो हेलोजन परमाणु डाई हेलोबेंजीन, तीन गो कार्बन हेलोजन परमाणु ट्राई हेलोबेंजीन हो गया। सर पूरा सिलेबस खत्म कर दीजिएगा ना। ओह चलिए बबुआ, देखिए याद होगा, अगर नहीं होगा तो आप एक काम करें, एक कॉपी बगल में अगर रखे होंगे तो आप क्या करें, इसको बना करके नाम लिख लीजिए। अगर नहीं होगा उससे भी तो, अगर मान लीजिए होता है क्या कि कोई कोई बहुत आलसी होता है, सुतल रहेगा आ दिखाई रहेगा, कोई बात नहीं है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जिस समय पढ़ने के लिए जाइएगा उस समय इसको नोट करके नाम लिख लीजिएगा। या फिर हमारे हमको जैसा कि आता ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये याद हो गया होगा, ये याद हो गया होगा। चलिए अगला यहां पर कंडीशन उत्पन्न होता है, अगला कंडीशन, कुछ बच्चे इसका नाम फिनोल बोल रहे थे। बाबू देखिए फिनोल क्या होता है उसको हम बताते हैं, अब फिनोल क्या है उस पर चर्चा करते हैं। आइए सर थोड़ा साइड, ओके साइड हो गए हैं। हाँ पढ़ा रहे लाइन में, हो गया बुआ। हाँ जी अंजला पर, अंजलि सॉरी आई एम सॉरी रियलिटी, अंजलि प्रजापति C6H5OH ठीक है आपका। चलिए देखिए बाबू क्या करना है ना, फिनोल के लिए तन को नहीं घबराना है, एकदम नहीं घबराइएगा फिनोल के लिए। एक यहाँ पर आपको हम लिखवा रहे हैं, समझिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। यस यस आप लोग कर देते हैं लाइक, इसीलिए हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं यदि चलो यार हम मेहनत कर रहे हैं तो अगला देख तो रहा है, तो इसीलिए यदि आप देख रहे हैं ना तब बढ़िया से जो है तनी शेयर लाइक सार करते रहिए, समझे ना। हाँ शेयर करते रहिए, लाइक्स करते रहिए। चलिए बाबू हम थोड़ा सा फिनोल पर जल्दी से चर्चा कर लें। सर मैथ क्लास चलेगा? चलेगा। चलिए देखिए बाबू अब यहाँ पर क्या होगा, फिनोल के बारे में यदि समझना है ना, आप क्या करेंगे एक बेंजीन बना ले, एक इस प्रकार से बेंजीन बना ले और यहाँ पर भी एक इस प्रकार से इसको कवर कर दे और यहाँ पर ये एक बेंजीन का निर्माण हो गया। अब क्या करिएगा कि यहाँ पर OH लगा दीजिए, ये फिनोल बन गया, इसको फिनोल बोलते हैं, ये फिनोल है। आप कुछ देर पहले ही कह रहे थे कि सर फिनोल है ये, नहीं बबुआ, अगर ए में कुछ न लागल होगा तो ये बेंजीन है, यदि इसमें OH लगा दीजिएगा ये फिनोल है। समझ में आ रहा है बात? एक होता है एनिलीन, क्या होता है तो एनिलीन की भी चर्चा हम कर लेते हैं। एनिलीन क्या होता है? सर बेंजीन में OH ग्रुप जुड़ जाता है तो फिनोल का निर्माण होता है। यस फिनोल का आंसर ये भेजे हैं, डेफिनेशन बोले हैं, वही बात है कि जब बेंजीन में हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ दिया जाए, यदि बेंजीन में हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ दिया जाए
तो जिस यौगिक का निर्माण होती है उसे जो है से क्या कहते हैं, ये फिनॉल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपका फिनॉल हो गया, और एक होता है एनिलीन होता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, एनिलीन क्या होता है, यहां पर हो गया, इसको लीजिए, यहां पर, और यहां पर जोड़ दीजिए NH2, जोड़ दीजिए NH2, अब इसको एनिलीन कहा जाता है, एनिलीन कहा जाता है, एनिलीन कहा जाता है, देखिए बउवा, एनिलीन कहा जाता है। अब इतना बात आपको जो है सो याद रखना है आगे समझने के लिए, समझे कि नहीं विवेक प्रजापति, ये सब बात आपको नेक्स्ट क्लास के लिए याद रखना है। हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जरा जवाब दीजिएगा। तो देखिए बउवा, क्वेश्चन आपके लिए जो है, चलिए क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि यहां पर जो ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, आपको ना ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहां पर जो ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोक्सिल समूह में जो ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इसमें ये हाइड्रोक्सी समूह है जिसको एल्कोहलिक समूह भी कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंधन होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंधन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए, बोलिए। आंसर एक भी नहीं आया अभी तक, डबल बॉन्ड होता है, आर्या जी का आंसर आया है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर हाइड्रोजन बंध आ गया। नहीं बाबू, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बताना है, हम आपसे हाइड्रोजन बंधन और ये क्या कहते हैं सिग्मा बंधन और पाई बंधन नहीं पूछ रहे हैं, डाटा खत्म हो गया सर जी। अच्छा, डबल बॉन्ड नॉट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है सर, कोई बात नहीं, चलिए सबका अपना अपना होता है। चलिए देखिए, इसका जो आदमी डबल बॉन्ड कर रहे हैं ना, गलत है। यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोजकता दो होता है, तो एक इधर ये एल्किल समूह से जुड़ता है और एक इधर ये हाइड्रोजन से जुड़ता है, तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन को गलत कर लीजिएगा तब कैसे काम चलेगा, हो है? सिंगल बॉन्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सर हम नहीं पढ़े हैं, ओह, आपसे अगला प्रश्न है कि एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह होता है CHO होता है, एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह CHO होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंधन होता है, एकल बंधन, द्विक बंधन या त्रिक बंधन, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अंजलि जी बोल रहे हैं डाटा खत्म हो गया सर जी, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। कौन सा बोले, क्या बोले, सिंगल बॉन्ड बोल रहे हैं आरती सिंह जी, सिंगल बॉन्ड बोल रहे हैं, एकल बंध बोल रहे हैं, जो जो आदमी एकल बंध बोले हैं उन सब का आंसर गलत है, उन सब का आंसर गलत है। इसका जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना बबुआ CHO में, तो यहाँ पर कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहता है और ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में रहता है और इधर जो है से एल्किल समूह जुड़ता है, ठीक है। तो अब यदि हम यहाँ पर एक संरचना देते हैं, इसका आंसर जो है से बाबू डबल बॉन्ड होगा, इस संरचना पर आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर हमने एक H जोड़ दिया, तो ये संरचना का नाम क्या है, इस संरचना का नाम क्या है, बोलिए जल्दी से, इस संरचना का नाम क्या है। सर मेरा सही है, ओके सर आपका नंबर चाहिए था, पढ़िए ना बाबू, पढ़ा तो रहे हम, मैथ का क्लास नहीं होगा सर जी, बताइए ना जल्दी से इसको क्या बोलते हैं, कोई आदमी नहीं बताइएगा तो बोल दीजिए, हम आपको आंसर दे देते हैं ना फिर, तब कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोनिल बोल रहे हैं, दिल तोड़ दीजिएगा आप लोग तो एकदम से, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्या बोल रहे हैं, ओह ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एथीन बोल रहे हैं, कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, ओह फॉर्मल डिहाइड होगा, सही आंसर है ये,
फॉर्मलडिहाइड होगा, ये आंसर दिए हैं एमडी मुनेज, सॉरी आपका नाम भी हमको नहीं पढ़ने आ रहा है, मुनेज जिम्मान, फॉर्मलडिहाइड होगा ये, फॉर्मलडिहाइड होगा ये, फॉर्मलडिहाइड है, फॉर्मलडिहाइड है, और इसका नाम जो है फॉर्मलडिहाइड के बाद इसका आईयूपीएसी नाम इथेनल हो जाता है, और सॉरी इथेनल नहीं मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल, एम ई टी एच ए एन ए एल, मेथेनॉल हो जाता है। और दूसरी बात, यह कार्बोऑक्सिलिक एसिड नहीं, एल्डिहाइडिक समूह का पहला सदस्य है, इसे फॉर्मिक नहीं, इसे ये फॉर्मलडिहाइड कहा जाता है, समझे जी, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, यस सचिन जी सही आंसर दे रहे हैं आप, फॉर्मलडिहाइड। एक पोस्ट क्वेश्चन और आपसे लास्ट पूछ रहे हैं, अच्छा से समझ समझाइए सर जी। अरे बाबू देखिए ना, रुकिए आप कहें अच्छा से समझाने के लिए तो ठीक है, देखिए हाँ देखिए, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, सी एच ओ होता है, आ रहा है बात समझ में, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह सी एच ओ होता है, और इसमें क्या करना है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में क्या लगता है ऑक्सीजन, और एक बॉन्ड में लग गया हाइड्रोजन, तो कार्बन का तीन को इलेक्ट्रॉन खत्म, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है चार, समझे। और कभी भी किसी यौगिक में एक कार्बन होता है तो उसके लिए प्रयोग होता है मिथ, और इन में से क्या कर देना है मिथ इन, एल्डिहाइड है तो ए एल जोड़ देना है, तो मेथेनल बन गया, और इसी का ये हुआ आईयूपीएसी नाम हुआ, आईयूपीएसी नाम हुआ, और इसका साधारण नाम जो है, सिंपल नेम जो है कॉमन सिस्टम के अंतर्गत, इसका फॉर्मलडिहाइड होता है, फॉर्मलडिहाइड होता है, सही है क्या, और कुछ डाउट है, अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय, सभी आदमी को गुड नाइट।